हम लोग गाइस आप देख रहे हैं शेजी गुजरात यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त। आज मैं मौजूद हूं जनाब पंजन कसाना के गांव खैर में। आज मैं आपको जो खैर गांव है इसका मैं आपको विजिट करवाता हूं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक आई थिंक सो कि ये हेल्थ केयर सेंटर बना हुआ है। तो आप इस साइड पर भी देख सकते हैं ये जनाब इसका मेन एंट्रेंस है। तो बाकी मज़ीद आपको बताते हैं ये जो गांव है ये कैसा है और इसका जो आने जाने का ये कितने किलोमीटर है और इसकी खूबसूरती क्या क्या है, ये चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए जनाब हम आपको दिखाते हैं जी पंजन कसाना से निकलने के बाद जो हैल को पहुंचने के लिए आपको जिन दो गांव से गुजर के जाना पड़ता है वो सबसे पहला गांव है जी कलां वाला, दूसरा गांव है जी दहड़ी, दहड़ शरीफ, दहड़ी दहड़ी भी बोलते हैं इसको, दहड़ शरीफ भी बोलते हैं। तो जनाब ये सामने आ गया फाटक, फाटक को क्रॉस करने के बाद आपको सामने ही दिखाई देता है जी कलां वाला। तो आप देख सकते हैं कितना वीआईपी रोड इसका बना हुआ है जनाब, कमाल का रोड बना है, कॉर्बेट रोड बना है। पहले तो ये रोड टूटा फूटा हुआ था काफ़ी सारा, तो अभी ये इन्होंने बनाया है। तो जी लीजिए जनाब हम कलां वाला में भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जी। ये कलां वाला का साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही कमाल की यहाँ पर जनाब ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी है ये जी, मेरी राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है जी, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं वो क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे कोठियाँ बनाते हैं जी, अपने बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करते हैं। एंड ख़ास करके गुजरात खारियाँ इस इलाके में भी ज़्यादा ये काम चल रहा है, तो वो जनाब आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, पीछे कोठियाँ वीरान पड़ी रहती हैं, तो ना उनको कोई देखने वाला है ना उनकी देखभाल करने वाला है। साल दो साल बाद आते हैं जनाब सफाई सफाई की फिर चले गए, तो इसमें रहते नहीं जनाब। तो अगर आपने यहाँ पर रहना नहीं तो प्लीज़ ना ये इतना पैसा लगाया करें, किसी गरीब की मदद कर दिया करें ताकि आपको सवाब भी मिले और दुआएं भी मिलें। तो ये जनाब ये जो रोड है लेफ़्ट साइड पे हमने मुड़ना है अभी, तो इससे आगे दहड़ी शरीफ जो है, दहड़ी जिसको बोलते हैं जी, उसमें हम एंटर हो रहे हैं। तो ये जनाब उसका व्यू है, आपको मैं दिखाता चलूँ, ये बहुत ही प्यारा व्यू है। तो ये जनाब दहड़ शरीफ का जो मेन एंट्रेंस है वो है इस साइड पे, ये जनाब किसी का डेरा है जी, ये डेरा बना हुआ है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ जनाब ये हम दहड़ शरीफ में ऑलमोस्ट एंटर होने वाले हैं, तो आपको सामने साइन बोर्ड नज़र आ रहा होगा जी दहड़ शरीफ का, जी दहड़ शरीफ, ये दहड़ शरीफ पहुंच चुके हैं जी। दहड़ शरीफ से पहुंचने के बाद अब ये जो रोड वीआईपी बना है ये जनाब दहड़ शरीफ तक ही बना हुआ है, दहड़ी तक ही बना हुआ है। तो एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि जनाब अगर आप खुदा ना हास्ता गलती से इस रोड पे आ जाते हैं तो आपको बहुत ही भी केयरफुल रहना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो जी तो जनाब यहाँ अगर आप आ जाते हैं गलती से, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं रात के टाइम में अकेले आ जाते हैं या दिन के टाइम में लगभग 1 से 2 बजे के करीब यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो जनाब आप यहाँ से यहाँ पे आ तो जाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ से खाली हाथ आपको वापस जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको पैदल भी जाना पड़े, हो सकता है आपको जूते उतार के भी जाना पड़े, ठीक है जी। तो आपको हंसी आ रही होगी जूते उतार के, तो जनाब यहाँ पे जो है चोर अपना नाका लगा के खड़े होते हैं जी। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है मुर्गीखाना स्टॉप, तो मुर्गीखाना स्टॉप पे जनाब वो अपना नाका लगा के खड़े हो जाते हैं जी। तो नाका लगा के जब खड़े हो जाते हैं जो भी बंदा आता है उसको रोक लेते हैं। अगर आप यहाँ पे खुदा ना हास्ता रुकते नहीं हैं तो आपको जनाब आप पे फायरिंग भी वो कर सकते हैं। तो अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है इस रोड पर, तो आपके पास जो भी सामान हो
चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास जेवरात हैं, तो आप उनको दे दीजिए खुदा के लिए, क्योंकि जान जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी एक दफ़ा ही देता है। तो जनाब ये यहाँ पे हिसाब ये है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। असले के ज़ोर पे लोगों को जनाब ये ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे छीनते हैं, बहुत सारी वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मालिक व मौला आप सबकी हिफाजत फरमाए। तो हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पे चोर जो हैं वो नाका लगा के खड़े होते हैं, और जो जहाँ पे वो लूट मार करते हैं। एंड अभी तो फिलहाल सुकून ही है। तो लीजिए जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे। ये है जनाब मुर्गीखाना स्टॉप, ये जी मुर्गीखाना स्टॉप। तो रास्ता जा रहा है, इसको कहते हैं जी हैल के गांव में जो है इसको कहते हैं जी मुर्गी खाने वाला रास्ता, ठीक है जी। तो गाइस मैं आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि इस रास्ते पे अगर आप आते हैं, अकेले हैं आप, रात के टाइम पे हैं या दिन के टाइम में, तो आप यहाँ से हाली हाथ ही वापस जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ जनाब। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर चोर जो हैं वो आपको आपका सफाया कर देंगे। तो बी केयरफुल, आपने जब भी इस रास्ते से आना है अपना पूरा ध्यान रख के आना है, अपने साथ कुछ जेवरात वगैरह नहीं लेके आने, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक तरीन रास्ता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं पंजाब का पूरे पाकिस्तान में से सबसे ख़तरनाक तरीन रास्ता ये है, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर डकैती की वारदातें होती रहती हैं। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट जो है इसका व्यू दिखाते हैं। तो चलिए जनाब, अब हम आपको दिखाते हैं जी हैल में जो मेन एंट्रेंस है वो कैसा है और इसका व्यू कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये रोड काफ़ी टूट फूट का शिकार है, एंड काफ़ी टूटा हुआ है रोड ये। तो बाकी आप देखें, अब हम आपको जो हैल का मेन एंट्रेंस है वो दिखाते हैं। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं हैल गांव में। तो ऑलमोस्ट हम ये हैल का जो चौक है वहाँ पर पहुँच चुके हैं जी। ये आ गया जनाब आपके सामने चौक, हैल का जो मेन एंट्रेंस चौक है। गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब हैल के मेन एंट्रेंस में। तो आप इस तरफ देख सकते हैं जी, ये जो रास्ता जाता है ये हैल को जाता है, और आप सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये जो रास्ता जा रहा है सामने ये गंजा की तरफ जाता है। तो बाकी अब हम हैल गांव में एंट्र होने वाले हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जनाब गाँव है उसका मेन एंट्रेंस कैसा है। अभी हम ऑलमोस्ट हैल में जो एंट्र होने वाले हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, ये एम्बुलेंस खड़ी है। तो ये जो रास्ता है ये सारा हैल की तरफ जाता है। चलिए ये हम आगे नेक्स्ट हैल की तरफ एंट्री का आपको भी दिखाते हैं। तो जनाब ये जो हैल का मेन एंट्रेंस है जहाँ से हैल गांव स्टार्ट होता है, ये उसका व्यू है। यहाँ जो रोड है वो कुछ गुजारा करता है, गुजारे लायक है, एंड इतना ख़राब भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जी, अभी मैं आपको दिखाता चलूँ जनाब। तो यह है जी हैल गांव। हैल गांव की जो स्टार्टिंग है वो है जनाब, हैल गांव की स्टार्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब हम ऑलमोस्ट हम हैल गांव में एंटर होने वाले हैं। तो ये जी हैल में हम पहुँच चुके हैं। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है जनाब इसका। तो ये लीजिए जनाब, हम पहुंच चुके हैं हैल गांव में। ये जो जनाब हैल का जो मेन एंट्रेंस है यानी कि जहां से हैल गांव स्टार्ट होता है जी, ये वो जनाब मेन एंट्रेंस है जी। यहां से आप एंटर हो के गाँव में दाखिल हो सकते हैं जी। यहां से आपको जाना पड़ेगा गांव में दाखिल होने के लिए, जो मेन रास्ता है इसका। तो ये जनाब वो रास्ता है, तो आप देख सकते हैं आपकी नज़रों के सामने है जनाब। तो एक और बहुत ही प्यारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर खुदा नास्ता यहां पे इस गांव में बारिश आ जाती है तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका स्विमिंग पूल आपके सामने है, आपको मिल जाएगा। तो जब भी बारिश आती है यहाँ पे एक गली ऐसी है, ठीक है जी, जहाँ पर इतना पानी खड़ा हो जाता है कि आप यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं।
तो मैं भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है, वो कौन सी गली है जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो आपको स्विमिंग पूल पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये लीजिए जनाब आपके सामने, ये वो गली है जनाब जिसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं आराम सुकून से। तो जनाब हम अब जो है इलाका है, गांव है, हम उसमें एंटर हो चुके हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हैल गांव जो है वो कैसा लगा और इसकी जो खूबसूरती है वो तो नॉर्मल सी खूबसूरती है, इतना अच्छा गांव की नहीं है, बाकी फिर भी इस गांव से बेहतर है। आप भी देख सकते हैं जी ये इसका फ्रंट व्यू है। तो जनाब आप देखते रहिए शेरी मिराज यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त शाहिद हसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, माले को बोला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे हैं जी, ये भी मुझे देख रहे हैं इधर खड़े होकर। जनाब आपका क्या नाम है? हसन। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ क्लास में। आप कौन सी क्लास में? और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो जी? वेरी गुड जी, माशाल्लाह बहुत ही जनाब नाइस बच्चे हैं जी। गाँव के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाहिलाक बच्चे हैं। अल्लाह ताला इन सबको सामद रखे, मालिक मौला इनको खुश रखे, आबाद रखे जी। अल्लाह हाफिज़।